हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं संतोष कुमार स्मार्ट सॉल्यूशन पटना से। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक चिप लेवल पे काम करने के लिए, जैसा कि सीपीयू, मेमोरी, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, इन सभी पे काम करने के लिए हमारे पास किस प्रकार के टूल्स होनी चाहिए। तो चलिए मैं आज आपको दिखाऊंगा कि जो टूल्स है वो क्या क्या लगते हैं इस काम के लिए। बारी बारी से मैं उस टूल्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, उसकी डिटेलिंग्स और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसको भी हम आपको बताएंगे। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा जो सोल्डिंग आयरन है T12X की है। इसकी जो बीट है ना, काफ़ी पतली होती है। बीट आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी पतला बीट होता है, और जिससे कि हमारा हैंडलिंग काफ़ी बेटर होता है, जिससे आप किसी भी माइक्रो से माइक्रो ट्रैक को बना सकते हैं। तो इसके लिए दो प्रकार के मैं सोल्डिंग आयरन इस्तेमाल करता हूँ। एक हमारा T12X है और एक हम नॉर्मल वाली इस्तेमाल करते हैं, साधारण वाली, जिसका बीट जो है सीधी बीट रहती है माइक्रो पॉइंट्स को टच करने के लिए। एक ये हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो फिर हमारा यहाँ शॉर्ट किलर है। अगर आप शॉर्टिंग्स वगैरह को निकालना चाहते हैं तो आप शॉर्ट किलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी किस तरह से इस्तेमाल करता है, किया जाता है, इसकी मैं पूरी वीडियो आपको बना करके दूंगा, आप इसकी भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो डीसी पावर सप्लाई मशीन है। डीसी पावर सप्लाई मशीन भी आपके पास होनी चाहिए कंजप्शन के बारे में जानने के लिए, कि पूरी फोन्स की कंजप्शन किस तरह से काम करता है, कितनी कंजप्शन पे हम कौन सेक्शन पे काम करते हैं, ये सारी चीज़ भी जानने के लिए आपके पास ये डीसी पावर सप्लाई मशीन होनी चाहिए मिक्सिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास SMD है। SMD के लिए आप ऐसा नहीं है कि आप बहुत महंगी SMD से ही काम होता है, बल्कि आपको हैंडलिंग अगर मालूम है कि कितना हीट और टेम्परेचर हमें इस्तेमाल करना है, साथ ही साथ अगर हम SMD यूज करते हैं तो हमारा SMD कितना आउटपुट दे रहा है, इसकी भी एक चेकिंग होता है, जो कि मैं आपको क्लासेस के दरमियान दिखाता हूँ कि आप नॉर्मल SMD को भी आप अपने वर्क के लिए ला सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो एक अच्छी SMD भी ले सकते हो, जैसे क्विक 857DW+ वगैरह भी है, चीफ एंड बेस्ट में अच्छा काम करता है। आगे एक माइक्रोस्कोप आपके पास होनी चाहिए चिप लेवल के लिए, ताकि माइक्रोस्कोप रहेगी तो आप IC को अच्छे से व्यू कर पाएंगे, देख पाएंगे, क्योंकि क्लियरिटी मस्ट है। अगर क्लियरिटी नहीं होगी, क्लियरेंस नहीं होगा तो आप कर नहीं पाएंगे कौन सा ट्रैक हमारा किधर जा रहा है, आपस में जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है। इस चीज़ के लिए एक आपका एमएमसी काम के लिए माइक्रोस्कोप भी मायने रखता है। नेक्स्ट आप कुछ छोटे छोटे टूल्स हैं, कुछ छोटे छोटे टूल्स हैं ऐसी काम के लिए। सबसे पहला है स्टेंसिल, ठीक है, सबसे पहला स्टेंसिल है। तो जो भी हमारी प्रैक्टिस चलती है वो मैं आपको यूनिवर्सल पे मैं आपको करवाता हूँ पूरी की पूरी प्रैक्टिस, और साथ ही साथ अगर आप यूनिवर्सल से काफ़ी अच्छे काम कर लेते हैं फिर आप सेपरेट स्टेंसिल भी चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सेपरेट स्टेंसिल अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका यूनिवर्सल में अगर 5 मिनट लगता है तो सेपरेट में आपको 3 मिनट लगेगा इवॉल्व करने। और नेक्स्ट है PCB स्टैंड। हमारे पास दो प्रकार की है, एक मैं साधारण PCB स्टैंड इस्तेमाल करता हूँ नॉर्मल वाली, और एक मैं चिप के लिए इस्तेमाल करता हूँ, कि अगर आप प्रोसेसर को निकालते हैं तो प्रोसेसर आप साधारण PCB स्टैंड पे नहीं फिक्स कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास एक अच्छी PCB स्टैंड होनी चाहिए IC के लिए, ताकि आप इस पे IC को अच्छे से पकड़ बना सकें और अच्छी से आप उसकी सफाई और क्लीनिंग कर सकें। अगला है हमारा स्क्रैपर ब्लेड। ये जो हमारा स्क्रैपर ब्लेड है 20-in-1 है, इसमें हर वो ज़रूरत की चीज़ है कि जैसा जैसा आप चाहें, ग्लू को कट करने के लिए, छोटी IC को उठाने के लिए, बड़ी IC को उठाने के लिए, PPD अप्लाई करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए, साथ ही साथ दो इसमें एक्स्ट्रा ब्लेड दिया जाता है यहाँ पे, ताकि आप हैवी से हैवी ग्लू है तो आप उसे कट कर सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा आप कट कर सकते हैं। तो ये जो सेट है इसको स्क्रैपर ब्लेड सेट कहा जाता है। आगे आएंगे तो ट्वीजर है हमारा, दो प्रकार के इसमें ट्वीजर यूज होता है। देखिए हमारा ये बैंड ट्वीजर है और एक स्ट्रेट ट्वीजर भी इसमें आपको चाहिए होगा, तो दो प्रकार की आपको ट्वीजर रखनी है। नेक्स्ट है हमारा डिसोल्डर वायर। देखिए EMMC के काम के लिए डिसोल्डर वायर काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, कि आप कौन सी डिसोल्डर वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डिसोल्डर वायर है, अगर ये वायर अगर आपकी हार्ड रही, जो कि मूव होने में दिक्कत करता है, अच्छे से मूव नहीं हो पाता है, तो ये आपके मदरबोर्ड पे काफ़ी सारे स्क्रैचेस ले आएंगे, जिस वजह से क्या होगा कि बहुत सारे प्रिंट आपस में जुड़ेंगे। तो आप अपने जो डिसोल्डर वायर है उसको भी आप अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें, परचेज करें। नेक्स्ट है 11 नंबर ब्लेड। ये जितने भी देख रहे हैं हमारा सारा 11 नंबर ब्लेड है टोटल, ये पूरी की पूरी पैकेट्स है। तो ये ब्लेड है, इस ब्लेड का भी आपको इस्तेमाल होगा माइक्रो जंपर को कट करने के लिए, लगाने के लिए, हल्के फुल्के स्क्रैचेस करने के लिए।
नेक्स्ट है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर भी चाहिए आपको एक अच्छी क्वालिटी का। मैं बहुत ज़्यादा महंगा मल्टीमीटर आपको नहीं दिखा रहा हूँ, एक साधारण और नॉर्मल जो कि आपके काम में अच्छे से इस्तेमाल हो जाएंगे, मल्टीमीटर भी आपको चाहिए। आगे बात करते हैं लिक्विड बोतल बोतल की। ये हमारा लिक्विड बोतल है ताकि आप क्लीनर को इस्तेमाल कर सके। इसमें भी हमारा दो टाइप से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर भी सुई दिया गया, आप सुई भी लगा करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैकेनिक की बोतल है, काफ़ी अच्छी है, ईजी टू यूज है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग पेस्ट की। तो कहीं ना कहीं हमारा पेस्ट ऐसा होना चाहिए कि आईसी में कार्बन ना बने। कई बार क्या होता है, हम लोग कोई सा भी पेस्ट उठा करके आईसी को शिफ्ट कर देते हैं, लगा देते हैं, फ़ोन तो फिलहाल के लिए चल जाता है, बाद में फिर फ़ोन में दिक्कत आते हैं ड्राई होने का। इसके बाद बात करते हैं हम पीपीडी की। तो आप देखेंगे हमारे पास तीन क्वालिटी की पीपीडी है, 183, 138 एंड 227। 227 काफ़ी लोगों को देखने को कम मिला होगा, क्योंकि इस पीपीडी का इस्तेमाल जो है बहुत ही कम लोग ही करते हैं। इसलिए क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर और एयर का इस्तेमाल करना होता है, जो कि हर लोग नहीं कर पाते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मदरबोर्ड की जो ज्वाइंटिंग है वो 100% कंपनी जैसा ज्वाइंटिंग बनेगा। एक बार जो आईसी लग गई वो कंटिन्यू वर्क करेगा। नेक्स्ट है हमारा यूवी ग्लू का। ये यूवी ग्लू एंड यूवी लाइट है। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं माइक्रो ट्रैक्स को बंद करने के लिए, जो ट्रैक्स छिल जाते हैं या फिर आप माइक्रो ट्रैक्स बनाते हैं उन सभी चीज़ को बंद करने के लिए हम लोग यूवी लाइट और यूवी ग्लू का इस्तेमाल करते हैं। इसका भी ज़रूरत है, जैसे ही आप लोग चिप लेवल पे काम करेंगे तो इसकी भी ज़रूरत आपको पड़ेगी कि आईसी के अंदर जो पैड्स है उस पैड्स को बंद करने के लिए आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं, एक हमारे पास लिक्विड है जो कि ब्लैक ग्लू रिमूवर के नाम से आता है। ये लिक्विड भी बहुत ज़्यादा यूजेस तो इसकी नहीं है, मैं भी बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता कि आप इसे इस्तेमाल ही कीजिए, लेकिन इसका इस्तेमाल के भी कुछ तरीके हैं जो कि मैं आपको अपनी क्लास में दिखाऊंगा। अगर आप इसको डायरेक्टली मदरबोर्ड पे डालते हैं तो आपकी मदरबोर्ड के लिए ये नुकसान है, इसको डायरेक्टली मदरबोर्ड पे ना डालें। इसके काम करने के, यूज करने के अलग तरीके होते हैं जो कि मैं आपको आपकी क्लासेस में दिखाऊंगा। आगे है हमारा जम्पर वायर। जम्पर वायर तो ये जो है हमारी साधारण जम्पर वायर है, और एक हमारी ये अच्छी क्वालिटी के जम्पर वायर है जो कि 0.01 mm का होता है आईसी के नीचे लगाने के लिए। और आगे है रोजिन। काफ़ी बार क्या होता है, जब हम लोग रोजिन का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसकी शुद्धता को नहीं पहचान पाते हैं। रोजिन ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल आपका एकदम साफ सुथरी और इस तरह से आपको दिखाई दे, येलो कलर की, ठीक है। कुछ रोजिन मार्केट में ब्लैक कलर के होते हैं, अगर वो आप मदरबोर्ड पे इस्तेमाल करेंगे तो प्रिंट आपका काला होगा, आपस में प्रिंट जुड़ेंगे भी। तो रोजिन भी आप अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें। इसके बाद है लास्ट में हमारा कॉटन और कॉटन क्लॉथ। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पैड को क्लीन करने के लिए लिक्विड में भिगो करके, और इसका इस्तेमाल करते हैं आईसी को क्लीन करने के लिए, आईसी को साफ करने के लिए। तो ये सारी कुछ चीज़ें था जो कंप्लीट एक सेटअप है हमारे ईएमएमसी लेवल पे काम करने के लिए। ये सारी चीज़ आप एक अच्छे लेवल पे ईएमएमसी को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये सभी चीज़ आपके पास नहीं, तो अगर आप लोगों के पास ये सारे टूल्स अवेलेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं चिप लेवल में काम करने में आपको परेशानी आ सकती है, क्योंकि हमारे पास जो पुराने टूल्स हैं जिसमें हम लोग एक साधारण सा ट्वीजर और असेंबली लेकर के काम करते हैं, तो वो हमारे सिर्फ एक फर्स्ट लेवल के लिए सही है, चार्जिंग पिन माइक स्पीकर को रिपेयर करने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी लेवल के चिप लेवल पे मैं काम करूँ, डबल डेकर, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, सीपीयू ड्रिलिंग वगैरह, तो ये सारे टूल्स आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आपको ये सारे टूल्स की यूजेस सीखने हैं, आप कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कि ये सारे टूल्स मैं आपको दूंगा प्रैक्टिकल के लिए। आप इसे सीखेंगे और सीखने के बाद फिर आप इसे परचेज करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम डायरेक्टली ओनली टूल्स खरीद लेते हैं तो फिर ये टूल्स हमारे लिए बेकार हो जाता है, क्योंकि इसकी ऑपरेटिंग के लिए एक अच्छी स्किल्स होनी चाहिए, एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप हमारे क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर, डिटेल्स वगैरह टोटल डाल दूंगा। तो आज के लिए एवरीवन बस इतना ही। ओके, थैंक।